हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। अभी बज गए 8:30 और धूप आ रखी है बहुत प्यारी वाली। यहाँ पे हमारे दो दो भेड़ भी हैं, दो दो भेड़। और इसने तो यहाँ देखो पूरा मुंह गंदा कर रखा है। डर रहा हूँ मैं तुझको देख के, जैसे कोई देख रहा है। यहाँ आ रखे हैं दो नए मेहमान, तभी बहे ये धूप में। और ये मेहमान तो बहुत प्यारा लग रहा है। आज देर का भेड़ ने बच्चा, धूप के चक्कर में उनको घर पे लाए थे, लेकिन धूप तो चली गई है, अब हल्की हल्की है। कुछ देर पहले तो काफ़ी अच्छी धूप थी, लेकिन अब बहुत कम है धूप। अभी मैं इस साइड को जा रहा हूँ सत्तू भाई के साथ। सत्तू भाई जा रहे हैं आगे आगे, तो आज का सुबह का सफ़र इनके ही साथ होगा मेरा। अभी आ रखा हूँ मैं सत्तू भाई के साथ नौगांव में, मोरा साइड को। और यहाँ से ये कहीं भी धूप नहीं है आज, बिल्कुल नहीं। मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, चेंज हो रखा है। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ सामने रास्ता भी बन रहा है जो नौगांव की ओर जा रही है। नौगांव से तो आ गया मैं, और अब जा रहा हूँ मैं घर को। तो पहले घर पे नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था अभी, तो नाश्ता करने के लिए पहले घर पे जाऊंगा। मैं आया था ऐसे सत्तू भाई के साथ घूमने के लिए। मैंने सोचा सत्तू भाई के साथ थोड़ा सा घूमा जाए सुबह सुबह, तो इसलिए सत्तू भाई के साथ आ रखा था मैं। और नौगांव तक गए हम लोग, तो वहाँ से तो बुकिंग थी सत्तू भाई के पास, तो वो चले गए लंच राउंड। मैं जा रहा हूँ घर को। आज तो धूप बिल्कुल नहीं है और काफ़ी ठंडा हो रखा है मौसम। यहाँ तो होने लग गई है हल्की हल्की सी बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है, वैसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही अभी तो। और अभी यहाँ पे लंगूरों की भरमार लगी हुई थी, इन पेड़ों में बहुत सारे लंगूर थे, भगा दिया उनको अभी। एक तो बारिश और दूसरा लंगूर। यहाँ पे ना किसी ने टोपी छोड़ रखी है, शायद लगता है सर अब बिन्नू भाई की है, जैसे कि ये इसको सही जगह में रख देता हूँ ताकि आए तो दिख जाए उनको। पहले पेड़ में रख देता हूँ, यहाँ पे दिख भी जाएगा और सेफ भी रहेगी, ऐसी नीचे बेकार पड़ी है वहाँ पे। खाना पीना तो हो गया था और अब जा रहा हूँ मैं टोलबार साइड को। आज सुबह से ही धूप का नामो निशान नहीं है, थोड़ा सा आई तो थी धूप में हल्की हल्की, लेकिन फिर चली गई। अभी गया था मैं टोलबार तो भाई के साथ, और अब सत्तू भाई ने टोलबार से कहा कि अब मेरी गाड़ी लेके भी टोलबारी आ जा, क्योंकि गाड़ी हो रखी है वहाँ पे खड़ी भंडारे काका की दुकान के पास। तो फिर से वहीं जा रहा हूँ और गाड़ी लेके फिर जाने टोलबार। तो यहाँ पे हो रखी है सत्तू भाई की गाड़ी खड़ी। तो अब जाना मैंने यहाँ से टोलबार, भोलेनाथ का नाम लेते हैं और चलते हैं टोलबार की ओर। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्यारा सा नमस्कार। आज है नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो रही है टोलबार के साइड से, और ब्लॉक की शुरुआत भी हो रही है 2:30 बजे। तो आज काफ़ी ठंडा हो रखा है मौसम, धूप तो है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी टोलबार से मैं गोपी भाई के साथ वापस आ गया। गोपी भाई के घर में आज नया मेहमान आ रखा है। कोई बात नहीं गोपी भाई, यार ये देखो नया मेहमान दिखाने के लिए बोल रहे कि नहीं दिखाना नया मेहमान को, है ना भैया। नए मेहमान तो को तो ऐसे देखेंगे। गोपी भाई नए मेहमान को दिखाने ही नहीं दे रहे, जब बल बड़ा हो जाएगा तब दिखाना है नए मेहमान को। कमल तो आ गया, चुप क्यों रहे तू? निकल दिया। विपिन अभी आने वाला है। आज कमल की तरफ से एक सेंट रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं। गाड़ी आती है तो धूल बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। आजकल फोन घुमा चाहिए स्कूल बेटा। आज कमल विपिन को छोड़ के आ गया पीछे। किसने किसको छोड़ा? कमल ने विपिन को छोड़ा। हाँ, भंडारी काका की दुकान के सामने से और डब्बू भाई के साथ यहीं आ गया मैं ब्लासू में। यहाँ पे ये ढाबा है गज्जी भाई का,
और ऊपर है यहाँ पे फ्यूज़न रिसोर्ट भी है, तो उसी के पास है ये ढाबा, तो वहीं पे आ रखा है मैं और डब्बू भाई। तो अभी नीचे से सत्तू भाई भी आ रहा, तो साथ में ही जाएंगे फिर ऊपर। अंधेरा हो गया और अभी हम बिलासो में ही है। अबे डब्बू भाई ये म्यूजिक बजा रहे हैं फर्स्ट क्लास। रात के 6:30 हो गए और हम पहुंच गए यहाँ होटल में ऊपर सत्तू भाई के साथ। ये देखो गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पे, सामान लेके आए यहाँ पे। तो घर पहुँचते तो 7 बज गए हैं। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।